नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल फतह पर निकली बीजेपी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है भरूच से सांसद मनसुख भाई वसावा ने। सांसद मनसुख भाई वसावा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, वसावा ने कहा कि वो जल्द ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। जानकारी के मुताबिक अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। वसावा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि आगामी बजट सत्र में वो लोकसभा से भी इस्तीफा दे देंगे। वसावा पिछले दिनों बीजेपी सरकार के कामकाज के तरीकों को लेकर सवाल उठाने पर चर्चा में आए थे। सरकार की ओर से आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में 121 गांव को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है और सांसद मनसुख धनजी भाई वसावा इसका विरोध कर रहे हैं। गुजरात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल को भेजे गए अपने पत्र में वसावा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उनके मूल्य और आदर्श भारतीय जनता पार्टी के अनुसार रहे हैं। उन्होंने पत्र में बस इतना कहा कि मैंने हमेशा पार्टी के साथ वफादारी निभाई है, बीजेपी और जिंदगी के सिद्धांत का पालन करने में बहुत सजगता रखी, लेकिन आखिरकार मैं एक इंसान हूँ और इंसान से गलती हो जाती है। अब पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले सांसद पद से भी इस्तीफा दे देंगे। मनसुख वसावा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर की, लेकिन पार्टी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने राज्य में होने वाली आदिवासी महिलाओं की तस्करी की जानकारी सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को दी थी। यही नहीं, इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुद्दे पर वसावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।